तो जैसे मैंने कहा कि ये एपिब्लास्ट के सेल भी वापस डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं कुछ इस तरह से कि वो फिर एनक्लोज करते हैं कैविटी को, एनक्लोज इज अ कैविटी, एक कैविटी को तैयार कर देते हैं कॉल्ड एज अ एमनियोटिक कैविटी, जिसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी। ओके, अब ध्यान दीजिए ये प्रोसेस में क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बाय लेयर होते हैं, ये पहला लेयर होता है एपिब्लास्ट का, और एपिब्लास्ट के नीचे में कौन सा लेयर होता है आप लोगों का, हाइपोब्लास्ट का, बराबर है, राइट। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसके अंदर आप लोगों के कौन से सेल डिवाइड होने वाले हैं, ये एपिब्लास्ट के सेल डिवाइड होने वाले हैं, और ये एपिब्लास्ट के सेल कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं कि वो एक कैविटी को तैयार कर लेते हैं अपने अंदर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। गॉट इट? हाँ, तो ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या है कैविटी का नाम वो? क्या है रे बाबा कैविटी का नाम? ये जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला हुआ है बाय लेयर, इसको हमने नाम क्या दिया था याद है ना? एम्ब्रियोनल डिस्क। एम्ब्रियोनल डिस्क, ओके। अब ये जो एमनियोटिक कैविटी है, इस एमनियोटिक कैविटी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इसका क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, रूफ होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये इसका फ्लोर होता है। तो बताओ इसका जो रूफ है वो किसने तैयार किया हुआ है? चलो पहले फ्लोर बता दो, फ्लोर किसने तैयार किया हुआ है? ये वाला पार्ट कौन सा है? हाइपोब्लास्ट है। ये दोनों मिलाकर का नाम क्या दिया है हम लोगों ने? हाँ, फ्लोर किसने बनाया हुआ है? एम्ब्रियोनल डिस्क ने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका जो रूफ होता है वो रूफ आप लोगों का बनाता है एमनियोजेनिक सेल। अभी ये जो सेल्स होते हैं, इस सेल को अभी हम एपिब्लास्ट नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है? अभी इस सेल को हम लोग एपिब्लास्ट नहीं कहेंगे, इस सेल का अभी नाम दूसरा होगा, और इस सेल का नाम क्या होगा? एमनियोजेनिक सेल्स। क्या नाम है इस सेल्स का? अरे क्या नाम है? एमनियोजेनिक सेल। ओके, और फिर ये जो एमनियोजेनिक सेल होते हैं, ये भी बाद में डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये फिर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको कहते हैं टू फॉर्म एमनियन। फिर ये एक एमनियन नाम का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, क्लियर है? एमनियोजेनिक सेल्स अलग होते हैं और एमनियन अलग होता है, क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये होता है। अब ये पर्टिकुलरली एमनियन जो होता है ये क्या होता है? तो एमनियन जो होता है ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, इट इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जो क्या करता है, जो सराउंड करता है, सराउंड एंड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, ठीक है, जो एम्ब्रियो को सराउंड और प्रोटेक्ट करके रखता है, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, डन। सो इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाता है, आप लोगों का ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरे स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाता है, आप लोगों का जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क दो कैविटी के बीच में तैयार हो जाता है, ध्यान में रखना। ओके, ये एम्ब्रियोनल डिस्क होता है, राइट, ओके, और इस एम्ब्रियोन में ये कैविटी जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है। तो आपको क्या पता लगेगा कि आप लोगों का ये जो एम्ब्रियोनल डिस्क है, ये एम्ब्रियोनल डिस्क दो कैविटी के बीच में आ गया है।
कौन कौन सी? योक सैक और एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी के बीच में आ गया, बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है कि भाई इस तरह से क्या हो जाता है आप लोगों का, दिस थिंग द एम्ब्रियोनिक डिश इज पोजीशन बिटवीन द यस प्रोसेस ऑफ। लेकिन यहां तक समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियोन का पूरा फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। गुड, ठीक है। तो बाकी का अभी हम कल देख लेते हैं। ओके ओके सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू।